हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत भाइयों कमेंट आ चुका है, कि हम बस एंड ट्रक्स का ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कितना रिस्क होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कौन से लोकेशन पे आपको अपनी स्टोर खोलना है, जहाँ पे अगर आप खोलते हैं वहाँ पे आपका स्टोर 100% चलेगा, एंड गुडविल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हुआ इस वीडियो में। लेट स्टार्ट। पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात बताऊं तो, क्योंकि हम बड़ी गाड़ियों का, ट्रक्स और बस का स्पेयर पार्ट का बिजनेस सेटअप करना है, तो उसमें अगर आपको रनिंग आइटम चाहिए लाइट्स के रिगार्डिंग, एंड ऑल योर इंजन ऑयल्स, हब ग्रीस, गियर ऑयल, क्राउन डिफरेंशियल के ऑयल्स, इस तरह के आइटम और प्लास्टिक के आइटम, बम्पर्स, ये सब चाहिए, तो उसमें मिनिमम जो अमाउंट हमें अपने स्टोर के लिए देना पड़ेगा वो 4 लाख रुपए से सेटअप होगा आपका। उतना पैसा तो आपका लगना ही लगना है, इसको आपको गांठ बांध के चलना है आगे। एंड उसके बाद मैं रिस्क का बताना चाहता हूँ। रिस्क भाई साहब, रिस्क तो हर जगह ही होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर जॉब भी करते हैं तो वहां पे भी रिस्क होता है, कि आपसे कोई काम गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया तो मालिक आपका निकाल सकता है आपको। एंड अगर आप फील्ड चेंज कर किसी और फील्ड में जाते हो तो वहां पे भी रिस्क होता है, जैसे आप जानते हैं। और उसके बाद तो मैंने बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में भी रिस्क होता है, इस बिजनेस में भी रिस्क होता है, पर अगर आप अच्छी नॉलेज है देन यू कैन डू इट बेटर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इफ यू कैन टेक मच रिस्क यू कैन अर्न मच मनी। आप जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, ये रूल ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम गलत कर देते हैं। जैसा कि हमने किसी वेंडर से स्पेयर पार्ट खरीदा, उसने हमने बोल दिया कि ये स्पेयर पार्ट गुड है, रनिंग आइटम का है, जो रनिंग गाड़ी चलती है उनका है, तो पर क्या हमसे कभी गलती आती है वो कि हमने उस पर विश्वास तो कर लिया, पर जो हमने आइटम्स परचेज किए हैं, उससे पार्ट्स परचेज करे हैं, जब मार्केट में आते हैं तो देखते हैं कि वो उनकी गाड़ी ही मार्केट से खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। अब जो उन आइटमों को अपने पास स्टोर में रख लेते हैं और मार्केट में हम सेल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी गाड़ियां बहुत कम है या खत्म होने वाली है, उसके कारण से क्या होता है, वो स्पेयर पार्ट हमारे स्टोर में रखा रह जाता है और कुछ टाइम के बाद वो जो स्पेयर पार्ट्स है वो कबाड़े के भाव का ही हो जाता है, कि अगर वो लोहा है तो लोहे के भाव भी बिचेगा, क्योंकि जब गाड़ियां ही नहीं है मार्केट में तो आप स्पेयर पार्ट कैसे सेल कर सकते हैं। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी स्पेयर पार्ट लेना है वो रनिंग गाड़ियों को लेना है, जैसे और ये भी करना है कि जो आपको स्पेयर पार्ट लेना है 20-30 गाड़ी का सीधा स्पेयर पार्ट स्टोर नहीं बनना है, क्योंकि जो गाड़ियां पुरानी है 3-4 गाड़ियां उनका स्पेयर पार्ट खरीदे, क्योंकि कुछ टाइम तक तो चलेंगी गाड़ियां, तभी उनका आगे काम निकलता है। नई गाड़ियों में 2-2.5 साल तक कुछ काम नहीं होता इतना अच्छा खासा, पर जो पुरानी गाड़ियों की BS3 BS4 उन गाड़ियों का कम से कम 2-2.5 साल 3-4 साल तो ऊपर जा चुकी हैं, तो उनका स्पेयर पार्ट आपको मार्केट में ज्यादा सेल होगा, तो उस टाइप से आपको स्पेयर पार्ट मार्केट से परचेस करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस टिप्स को अपने स्टोर में 100% यूज करना है, कि फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ स्पेयर पार्ट जो होते हैं, आपने कोई इंजन ऑयल का 1 लीटर का बकेट लिया जो आपने आज परचेज कर रखा है, और कुछ बकेट पहले से रखे हुए हैं, तो कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसको पहले जो बकेट पहले आपने परचेज कर रखे उसमें से एक बकेट निकाल के उसको दे, ना कि जो आज आपने लिया है और जो आपने लिया है और वही बकेट आप किसी कस्टमर को दे दें। इससे क्या होता है, अगर वही बकेट आप जो आज आपने परचेज किया है और आप भी वही बंदे को देते दे रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, जो लास्ट में जो पकेट रखे हुए हैं आपके पास जो, तो उनका क्या होगा, टाइम लिमिट ज्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम के बाद जब आप वो पकेट किसी कस्टमर को दोगे तो वो आपसे कह सकता है, सर ये तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, आपने बहुत ही पुराना मुझे इंजन ऑयल दे रहे हैं, इसकी डेट्स भी बहुत ज्यादा लेट हो रखी है। तो इस तरह के कमेंट्स आपके कस्टमर आपसे पूछ सकता है, बात कर सकता है, पर आप इसको सुधार सकते हो क्योंकि आपका मौका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो माल आपके पास पहले आ चुका है उसको आप पहले दें, और जो अभी माल आया है उसको बाद में दें, जो जब वो पहला वाला माल आपका बेचा उसके बाद जो अभी वाला माल है उसको सेल करें मार्केट के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कहां पर, किस लोकेशन पर अपना स्टोर खोलना है, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं कि जो 4-व्हीलर वाले एरिया में ट्रक्स और बसेस का स्पेयर पार्ट का बिजनेस खोल लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये मत करें। आपको अपना अगर ट्रक और बसेस का बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए बेस्ट एरिया होते हैं लॉजिस्टिक कंपनी, उसके अराउंड में जहां पे भी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनियां में बहुत सारे जो मालिक होते हैं उनके पास 100 200 300 400 ट्रक्स के आसपास ट्रक्स होते हैं, उससे ज्यादा भी ट्रक्स होते हैं, तो उनके पास खोले अपना स्टोर, और क्योंकि उनकी ट्रक्स चल रहे हैं रोड पर तो उनकी गाड़ी में काम भी निकले, काम निकले उनको स्पेयर पार्ट की जरूरत भी है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहां पे खोलें और उन कंपनी से पैसअप करें, उनके साथ मिलें, उनसे बात करें, सर हम इस तरह की फैसिलिटी देते हैं, इस तरह का डिस्काउंट देते हैं हम स्पेयर पार्ट में, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के
स्पेयर पार्ट आपको देंगे और आपकी कोई भी मदद होगी हम उसमें पूरी मदद करेंगे, आपके ट्रक को रोड पे रुकने नहीं देंगे। इसलिए आपको पैचअप बात करनी है आपसे, उनके पैचअप होना, अगर उनसे तो आपका पैचअप होगा तो आप उनको अपना स्पेयर पार्ट अच्छे खासे दाम में सेल कर सकते हैं, आपका स्टोर कभी रुकेगा नहीं आपके पास और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने स्पेयर पार्ट सेल करने में, क्योंकि उनके साथ पैचअप हो गया आपका, उनके मैकेनिकों के साथ, उनके स्टाफ के साथ आपका पैचअप हो गया तो आपका स्टोर 100% चलना ही चलना है। और उस मार्केट में स्टोर खोले जहां पर बसेस एंड ट्रक्स का काम होता हो, ट्रांसपोर्ट एरिया हो, जहां पे अच्छे खासे मैकेनिक्स हो, काम होता हो, और सब जगह पे अराउंड बम्पर के स्टोर्स वर्कशॉप होनी चाहिए अराउंड आपके ट्रक्स और बसेस की, वहां पे अपना स्टोर खोले। कहीं यहां पे ऐसे नहीं कि यहां पे फोर व्हीलर काम हो रहा, टू व्हीलर काम हो रहा, अपना स्टोर वहां पे जाके खोल देगी, कोई भी बंदा आएगा मुझसे परचेस कर लेगा, ऐसा नहीं होता। जहां पे भी मार्केट बना होता है वहां पे लोग आते हैं, क्योंकि वहीं पे उसी के रिगार्डिंग के कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको बताया जाता हूँ कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और हर वक्त हर व्यक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बंदा कम आता है तो उसके बाद आपका व्यवहार कुछ दूसरा है, और जो बहुत ज्यादा आता है कनेक्टेड है आपके साथ उसके साथ व्यवहार आपका दूसरा है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबके साथ कम्युनिकेशन स्किल आपकी कॉमन और अच्छी होनी चाहिए, पर कुछ बंदे जो आपसे अच्छे कनेक्टेड हैं, जो आपसे इस पे पार्ट खरीदते हैं और आपकी और आपके रिगार्डिंग अच्छे कस्टमर आपके लिए लेके आते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि जो बंदा है तो उससे आपको चाय कॉफी या उसे कोल्ड ड्रिंक पूछे, क्योंकि आप 5 रुपए की चाय पिलाकर उस बंदे को लाखों का माल स्पेयर पार्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड रहेंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होता है वो बंदा आप पे ट्रस्ट और ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है, और ज्यादा उसको अच्छा फील होता है आपसे बात करके। कि आपकी मार्केट गुडविल कैसे होनी चाहिए, आपकी मार्केट गुडविल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे जैसे आप बंदे से कनेक्टेड होते आ रहे हैं कि बंदों को पता होना चाहिए हाँ बंदे इस भाई के पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये बंदा अच्छी क्वालिटी के मार्केट में स्पेयर पार्ट सेल करता है, वो किसी को फ्रॉड मार्केट में ब्रांड के पार्ट्स नहीं सेल करता है। ऐसी आपकी गुडविल होनी चाहिए कि बंदा कोई व्यक्ति हो दूसरा तो आप पे ट्रस्ट कर सके, लॉयल हो आप अपने कस्टमर के साथ, तो क्या होगा कि वो दूसरे और बंदों के साथ कनेक्टेड होंगे, कस्टमर जब किसी से बात करेंगे इस पे पार्ट के रिगार्डिंग, या कोई मैकेनिक किसी भी कोई कस्टमर को एडवाइस देने वाला होगा कि किससे इस पे पार्ट देना, तो आपका नाम लेगा क्योंकि आप लॉयल हो, यू हैव अ लॉयल क्वालिटी विद योर कस्टमर। मैकेनिक्स सबके साथ आपकी लॉयल क्वालिटी है, आप उनके हित की भी सोचते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं, तो वो आपके सारे आपसे साथ कनेक्ट यूनिटी बन जाएगी, यूनिटी बनेगी तो आपका स्टोर आगे ग्रो करना स्टार्ट देख सकते हैं, और आपकी जो गुडविल है मार्केट की में वो इंक्रीज आएगी, कि वो मार्केट कुछ टाइम बाद आपकी दुकान से ही जाना जाने लगेगा, इतनी अच्छी आपकी गुडविल होनी चाहिए। उसके बाद मैं कंडीशन ऑफ स्टोर के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्टोर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जहां पे भी स्पेयर पार्ट लोकेशन पे होना चाहिए वो स्पेयर पार्ट लोकेशन पर उसी लोकेशन पर होना चाहिए। और अगर आपका मैनुअल स्टोर आप स्टार्टअप करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कंप्यूटराइज स्टोर स्टार्ट करें चाहिए। इसमें क्या होता है, कंप्यूटराइज में क्या होता है कि आप कस्टम पे चेक करा और बाकी कहाँ पे वो पार्ट्स रखा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पर मैनुअल स्टोर में कभी कभी ये होता है कि आपको पता है आपके दिमाग फीड है कि ये सामान रखा हुआ है, कस्टमर से पूछा तो दे दिया आपने, पर कभी कभार ये होगा कि कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं कि आपके दिमाग से बाहर निकल गया और आपने बोल दिया कि कस्टमर को नहीं है पर वो आपके पास था, तो आप इस तरह की मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए मैं कंप्यूटराइज स्टोर को ही प्रिफर करता हूँ। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मैनुअल स्टोर को कैसे कंप्यूटराइज स्टोर में बना सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहो तो आप देख सकते हैं वहां पे आके। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेवर मिस योर कस्टमर, कस्टमर को आपको मिस नहीं करना है। कस्टमर आपसे कोई भी आपकी स्टार्टिंग में आपके पास आप इतना बड़ा सेटअप नहीं कर सकते, सारे स्पेयर पार्ट नहीं परचेस कर सकते, पर जो कस्टमर आपके पास आता है कुछ सामान मांगने को, स्पेयर पार्ट्स मांगने, चाहे वो अच्छे खासे प्राइस का हो, हाई प्राइस है उसका और आपके पास नहीं है, पर आप उसको कस्टमर को ये बोलना भाई मैं कहना मैं अरेंज करवा दूंगा आधे घंटे में, आपको आधे घंटे में मिल जाएगा, तो आपको अपन मार्केट में बात करनी है बंदों से कि किसके पास वो स्पेयर पार्ट है और उससे लेकर आपको कस्टमर को प्रोवाइड करें, जिससे क्योंकि इससे होगा ना कि हर सिचुएशन में आप साथ दे रहे हो, उस बंदे को भटकना नहीं पड़ रहा आपके स्टोर से। अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ पार्ट्स खरीदता है, आधे पार्ट्स आपसे खरीद रहा है, आधे किसी और से परचेज कर रहा है, तो वो दूसरे बंदे के पास जा रहा है, वो बंदा उसको सारा सामान दे सकता है, तो कस्टमर सोचेगा यार ये बंदा तो मैं उसको सारा सामान दे सकता तो मैं उससे क्यों लूं, जब मुझे यहाँ पे आके भटकना पड़ रहा है, तो वो बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं इसी से सारा सामान खरीद लूँ। तो मैं यही कहना था कि कोई भी कस्टमर आपसे सामान ले तो भाई उसको कहना है जितनी ज्यादा कोशिश हो उससे सारा सामान आप देने की पूरी कोशिश करो, मार्केट में फोन करो, बंदे से बात करो भाई हाँ कितने रुपए का है, उससे बात करके उसको लेके उसको प्रोवाइड करो,
किस तरह के आप कश्मीरी गेट जाओगे या कहीं पे जाओगे तो वहां पे ज्यादातर मोस्टली बंदे यही करते हैं। मैंने खुद एक्चुअल में ये देखा है कि वहां के जो बंदे होते हैं कुछ स्टोर ऐसे होते हैं कि बस पेपर तो होता ही नहीं है, वो बंदे बस बोलते हैं कि भाई आप 2 मीटर को हम इस पेपर लेके आ रहे हैं और इतने इतना तो प्राइस है उसका। तो इस टाइप से आप स्टोर को ग्रो कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका स्टोर ग्रो होगा उस हिसाब से आप अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके आए। इंजॉय अच्छा कंपनी का जो आपका ग्रीस हो टिमकन कंपनी का, ऑयलो गल्फ मोविल और अच्छी अच्छी ब्रांड कंपनी का होना चाहिए। तो ब्रांड जो चीज होती है ना उसकी उससे क्या होता है कि आपके स्टोर की क्वालिटी बढ़ती है, उसकी गुडविल आपके स्टोर की बढ़ेगी, क्योंकि इससे कस्टमर सोचेगा हाँ भाई बंदा अच्छे पैसों में अच्छा माल सप्लाई करता है, अच्छा प्रोडक्ट देता है, उसमें हमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती, तो बंदा आग बंद करके भी आपसे सामान लेगा। और कभी कभार क्या होता है आप किसी को डुप्लीकेट सामान आपने सेल कर दिया तो उससे क्या होगा, आपने डुप्लीकेट तो दे दिया उसमें जो प्रोडक्ट आपने दिया उसकी गुडविल खराब नहीं हो रही, आपके स्टोर की गुडविल खराब हो रही है और आपकी गुडविल खराब हो रही है। लोग सोचेंगे कि भाई ये इस भाई की मतलब इस बंदे ने हमें फ्रॉड करना चाहता है, पैसे कमाने के चक्कर में हमें गलत माल सप्लाई कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आज एक कस्टमर आपसे अनसेटिफाई हुआ, कल 2 होंगे, कल 3 होंगे, 4 होंगे, इस तरह से अनसेटिस्फेक्शन इन द सोसाइटी आपका इंक्रीज होने लगेगा, जिससे क्या होगा आपकी स्टोर की जो वैल्यू वो कम होगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छे से धीरे धीरे अपने स्टोर बढ़ाएं, पर हाई क्वालिटी के स्पेयर पार्ट, अच्छी कंपनी के स्पेयर पार्ट आप मार्केट से लें। एंड बस और ट्रक्स का स्पेयर पार्ट आपको मैंने बता रखा है कि आप उस वहाँ लोकेशन पे खोलें जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक एरिया हो, वहाँ से आप पैचअप करें, उनसे बातचीत करें, उनके स्टाफ और मैकेनिक साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाए अपना, तो आपका स्टोर 100% रन करेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करें। एंड इस वीडियो में मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया बस एंड ट्रक्स का ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही है इस वीडियो को देख लाइक रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड इससे मेरी भी हिम्मत बढ़ती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करें कुछ भी पूछना है आपको किसी भी चीज पर, टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।